हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको दुनिया की पांच सबसे खतरनाक सड़कों के बारे में, जहाँ हमेशा मौत लोगों का इंतजार करती है, लेकिन फिर भी लोग इस एडवेंचर का मजा लेने लोग दूर दूर से आते हैं। अगर आपको भी ड्राइविंग करना पसंद है तो भूलकर भी इन जगहों पर ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर जाना मौत को गले लगाने जैसा है। नॉर्थ यंगस्ट रोड, इस रोड को खूनी रास्ते के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर हर साल 100 से लेकर 200 लोगों की मौत यहां से गुजरते हुए हो जाती है, जिनकी कब्र आपको रोड के नज़दीक दिख जाएगी। ये कब्र उन लोगों की है जिनका एक्सीडेंट यहां हुआ था। कई बार गवर्नमेंट ने इन दुर्घटनाओं को देखते हुए इस रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन दूसरी ओर जाने का इकलौता रास्ता होने की वजह से इसे दोबारा खोल दिया गया। जेम्स डेल्टन हाईवे, ये सड़क उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी अभी कार चलाना सीखा हो। ये हाईवे लगभग 414 किलोमीटर लंबा है। ज़्यादातर इस पर सामान लाने और ले जाने वाले वाहन चलते हैं, जिनकी रफ्तार हमेशा काफ़ी तेज होती है। इस रास्ते पर ना तो कोई पेट्रोल पंप है और ना ही इसके आसपास कोई रहता है। यहाँ हवा इतनी तेज़ चलती है कि बड़े बड़े ट्रक पलट जाते हैं, या फिर उड़ते हुए बड़े पत्थर गाड़ी की हेडलाइट से टकरा जाते हैं और गाड़ी की हेडलाइट टूट जाती है। इस सड़क पर इतना कोहरा होता है कि सामने आती हुई गाड़ियाँ दिखाई नहीं देती, जिसके कारण एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप अलास्का घूमने जाते हो और कार किराए पर लेते हो तो नियम के अनुसार आप कार को डेल्टन रोड पर नहीं ले जा सकते। अटलांटिक ओशियन रोड, ये रास्ता नॉर्वे में समुद्र के ऊपर बना हुआ है, जो कि रोड ट्रिप के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ हर कदम पर खतरा मौजूद है। यहाँ आपकी एक छोटी सी चूक आपको मौत के घाट उतार सकती है, और आपकी कार ब्रिज से बाहर जाती है तो आप समुद्र की गहराई में समा जाओगे। दोस्तों, अगर आपको बाइक चलाना ज़्यादा पसंद है या कार चलाना, आपके पास कौन सी बाइक है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसीमा ओहासी ब्रिज, इस ब्रिज को काफ़ी ऊंचा बनाया गया है ताकि इसके नीचे से जहाज़ आसानी से निकल सके। इस ब्रिज को रोला कोस्टर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिज से गुजरना मतलब मौत को दावत देना है, लेकिन फिर भी लोगों को दूसरी तरफ जाने के लिए लोगों को इसी ब्रिज पर से गुजरना होता है। अगर आप हिम्मत वाले हो तो आपको एक बार इस ब्रिज पर जरूर जाना चाहिए। स्टेलवियो पास, ये सड़क अपने टेढ़े मेढ़े घुमाव की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ आकर बड़े से बड़े ड्राइवर डर जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है तो आपकी गाड़ी मिट्टी की दीवार को तोड़ते हुए नीचे खाई में जा गिरेगी। कई बार पहाड़ों से मिट्टी खिसक जाने की वजह से बड़े बड़े पत्थर नीचे आ जाते हैं, जो इस सड़क को और भी खतरनाक बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में अपनी बाइक या कार का नाम जरूर लिखें।